शर्मा जी जरा बच के रहना, क्योंकि सबसे पहले हमारे साथ ही मुकाबला है। लगता है आप हमें डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, हम तो डराने वाले में से। लगता है आपको नहीं पता, मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा, इस साल का कप मेरे नाम ही होगा। तो फिर मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? माही भाई, ये चीकू भाई सीधा आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा चीकू, ऐसी बात है? चापलोसे, तुम माही भाई को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। मैं भड़का नहीं रहा, मैं तो तारीफ कर रहा था। हाँ मालूम है, अपने चाचा को मस्ती का। वैसे माही भैया, आरसीबी और मुंबई के बाद आपका मुकाबला हमारे साथ है। गब्बर भाई बता रहा है या चैलेंज दे रहा है? नहीं भाई, मैं चैलेंज नहीं दे रहा, कैप्टन तो अय्यर है। इसका मतलब आपको चैलेंज जो है अय्यर देगा, मैं नहीं। मैंने कब बोला भाई, आप तो खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहे हो, और वैसे भी मेरी कोई मजाल है जो मशाल जला के मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा। लगता है तुम हमारे चेन्नई टीम को हल्के में ले रहे हो। नहीं भाई, आप तो बड़े हेवी फिनिशर हो। हाँ भाई, हम पीली जर्सी से कभी पंगा नहीं लेते। ये चीटिंग है। तुम सब मिलके मस्का लगा रहे हो माही भाई को। अच्छा, ये मस्का लगाने का नुस्खा कहाँ से सीखा? नुस्खा तो मैंने सीखा अनुष्का से, वो भी बेसन के लड्डू बनाने का। और इस साल मैं एसवेल और एबीडी को ऐसे बेसन के लड्डू खिलाऊंगा कि वो इस साल आरसीबी को कप दिला देंगे। अगर मेरा पेट बिगड़ गया तो? कुछ नहीं, बैंक स्टॉक का नाम लेके बड़े बड़े स्ट्रोक मारने का, सारे का सारे लड्डू पच जाएंगे। बबू, अरे हम स्टेडियम पे धमाका करना चाहते हैं, अपने पेट पे नहीं, इसलिए हमें बेसन के लड्डू से दूर रखो। देखना, इस बार हमारी टीम इतनी अच्छी खेलेंगी कि तुम स्पूफ ट्यूब वाले हमारे ऊपर वीडियोस बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे। हाँ, हम तो शुरुआत ही जिससे करेंगे। तीसरा दिन तुम्हारी और हमारी मैच है, और उसी दिन हमारा राशिद आपकी रसीद फाड़ देगा। डॉन एक बार ग्यारह मुल्कों की पुलिस से बच सकता, लेकिन मेरे गूगल से नहीं बच सकता। लेकिन इस बार हमें हमारे घर में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम दूसरों के घर में जाके आग लगाएंगे। मैं तो खेलूंगा ही नहीं, बीवी बीमार होने का बहाना बताऊंगा और भाग जाऊंगा, क्योंकि खोपड़ी सरक गई मेरी जब से इन्होंने मुझे सस्ते में निपटा दिया। अरे ओ स्टीव सुमित्या, काय को टेंशन लेता है रे, पैसा तो आता जाता रहता है, आईपीएल तो साल में एक बार आती है ना, वहाँ भी तू चौनिया कर रहा है। पहले आप मेरी बेस प्राइस बढ़ा दो, कब बढ़ाऊंगे मेरी बेस प्राइस? तुम्हारी आईपीएल की बेस प्राइस बढ़ाने के लिए मैं विचार कर रहा हूँ, और इसके बारे में हम अगली मीटिंग में बात करेंगे। और अगली मीटिंग कब होगी? इसके बारे में भी हम अगली मीटिंग में ही बात करेंगे ना। आपसे मेरी नजर चेन्नई पे रहेंगी। देखिए भाई साहब, मेरा नाम है रैना, अगर ऐसा किया तो सूजा दूंगा मैं तुम्हारे नैना। भाऊ रैना, इतकी नको करो तेरी दैना। वो छोड़ो शर्मा जी, सबसे पहले जो हमसे मुकाबला है उसके बारे में सोचो। ऐसा क्या बोलो मत कोहली जी, 6 सिक्स मारने वाले खिलाड़ी सिर्फ हमारे पास है। भक्त जनो, जीवन में जो भी हमारे पास है वो तो क्षणभंगुर है, और बैंगन के पेड़ पे लगा कोई अंगूर है, उस अंगूर को आप किसी लंगूर को बेच दो, और उसी पैसों से स्टीव स्मिथ को भास्कर के साथ बस करके दिल्ली में भेज दो। लेकिन मैं अपने वाइफ से कैसे रहूंगा इतना दूर, हिमेश का गाना गाऊंगा क्या, तेरा 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 सुरूर? नादान बालक स्टीव स्मिथ, अगर तुम्हें आईपीएल का बेस प्राइस बढ़ाना है तो अभी से बना लो अपने धर्म पत्नी से दूरी, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। अरे तुम आज कर दे, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई।